प्रधानमंत्री का कहना यह था कि हमने जो भी जितनी भी भर्तियां निकाली है उसमें किसी भी तरह से धांधली कहीं पे नहीं है। जो धांधली भाईवा के टाइम में किया जाता था उसको मैंने बंद कर दिया है कि जिससे पारदर्शिता आ जाए, धांधली रुक जाए पूरी तरह से भर्ती में। वैसे भी नरेंद्र मोदी जी हैं, दूसरा देश से चुनौती लड़ने में पीछे हटते नहीं है, एकदम बखिया उधेड़ देंगे दुश्मनों को, एकदम बखिया उधेड़ देंगे। जो सेंट्रल गवर्नमेंट का वर्क है वो रेगुलर टाइप पे सही ढंग से हो रहा है, इसमें किसी तरह का कोई धांधली करप्शन भी नहीं है, लोगों को रोजगार समय पे मिल जा रहा है। बिहार की भर्ती में है कि आपको लंबा समय तक टाइम देना पड़ जाता है, भर्ती चार चार पाँच पाँच साल के बाद वो एग्जाम ही लेना शुरू करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो चला जाता है बीच में कैंडिडेट का या स्टूडेंट का, और बिहार में भरोसा भी नहीं हो पाता लोगों को कि मेरा रिजल्ट होगा नहीं होगा, क्योंकि बिहार की परीक्षाओं में हमेशा सुनने को मिलता है पेपर लीक कर दिया गया। प्रधानमंत्री का भाषण सुने हैं आप? बहुत 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 ऊर्जावान भाषण था, बहुत मोटिवेशन लेवल बढ़ाता है हम लोगों को। बिहार सरकार को केंद्र सरकार से सीखना चाहिए, केंद्र सरकार ऐसे भी केंद्र में सरकार चला रहा है तो उससे तो कुछ ना कुछ सबक हर एक राज्य सरकार को लेना ही चाहिए। सर आप लाइव बिहार देख रहे हैं, मैं हूं राज मोहन तिवारी। केंद्र सरकार के द्वारा 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा किया गया था, उस पर काम चल रहा है और आज तीसरे चरण में 71,000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटा गया है। जो अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र ले लिए हैं उनके साथ हम जुड़ रहे हैं। क्या नाम है आपका? अनुप कुमार। कहाँ आपकी किस पोस्ट पे ज्वाइनिंग हुई? कांस्टेबल जीडी सशस्त्र सीमा बल। कब की बहाली थी? बहाली एसएससी 2018 का था। 2018 का बहाली हो गया, 2023 आ गया, 5 साल लग गया पूरा होने में। बीच में कोरोना आ गया, कुछ डिले हो गया था इसी वजह से, और कुछ डॉक्यूमेंट्स में इशू था इसी वजह से। तो सब आप सब लोगों का इसी बार नियुक्ति पत्र मिला है या पहले का कुछ हो चुका था? लेकिन कुछ का पहले हो चुका था। तो कैसे रहा ये सफर आपका 5 साल का? बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा रहा, हाँ। तो अब आगे क्या करना है? आगे जाना है, ट्रेनिंग करना है। ट्रेनिंग करना है, सशस्त्र सीमा बल को मजबूत करना है, एकदम है जो। आज प्रधानमंत्री के वर्चुअल मूड में जुड़े थे, प्रधानमंत्री जी को आभार, इन्होंने हमें नियुक्ति पत्र प्रदान किया, सशस्त्र प्रधानमंत्री को थैंक्स कहना चाहते हैं। प्रधानमंत्री का भाषण सुने हैं आप? बहुत 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 ऊर्जावान भाषण था, बहुत मोटिवेशन लेवल बढ़ाता है हम लोगों को, लेवल बढ़ा रहा है। हाँ, प्रधानमंत्री से जब इस तरह की बात बोलते हैं हम लोग को मोटिवेशन हाई होता है। जीडी कांस्टेबल के तौर पे आपका नियुक्ति हुआ है तो क्या है, कैसे काम वहाँ होता है, कुछ मालूम है उसके बारे में, कुछ बताएंगे? ना, कांस्टेबल जीडी है, सशस्त्र सीमा बल। इसके बारे में कुछ जानते हैं? हाँ, जानते हैं। सशस्त्र सीमा बल है, भारत भूटान सीमा प्रहरी। अच्छा, तो वहीं पर आपकी तैनाती हो? हाँ, पूरा जनरल के साथ वहाँ काम, एकदम पूरा जनरल। तो वैसे भी नरेंद्र मोदी जी हैं, दूसरा देश से चुनौती लड़ने में पीछे हटते नहीं है, एकदम बखिया उधेड़ देंगे दुश्मनों को, एकदम बखिया उधेड़ देंगे। मेहनत करके मिला है? मेहनत करके मिला है, दूसरा अटेम्प्ट था, 15 में रह गए थे मेरिट में। अच्छा, एक नंबर कम गया था। एक नंबर कम गया, हाँ, लेकिन 18 में निकाल लिए। तो आगे और कुछ करना है कि हो गया, आप जो पाना था मिल गया? अभी प्रधानमंत्री ने क्या कि अंदर से विद्यार्थी जीवन, मतलब विद्यार्थी का चलते रहना चाहिए, वो नहीं मरना चाहिए, स्टूडेंट मतलब जिंदा रहना चाहिए। हाँ, अगर देखते हैं, अब मिल गया है, पढ़ाई होगा, ट्रेनिंग पूरा करके बाद उसके बाद पढ़ाई जारी रखेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुभकामना आपको, आपको भी बहुत बहुत हमारे तरफ से। तो देखिए, तमाम जो अभ्यर्थी हैं उनसे बातचीत हमारी लगातार जारी है, उन अभ्यर्थियों से जिनको आज नियुक्ति पत्र मिला है। कुछ ऐसे अभ्यर्थी जो लगातार कोशिश कर रहे थे, कुछ कारणवश नहीं हो पा रहा था, लेकिन अभ्यर्थी जो हैं वो नियुक्ति पत्र लेकर बाहर निकल रहे हैं, निकलने का सिलसिला जारी है। एक और अभ्यर्थी हमारे साथ है, क्या नाम है आपका? अमृत कुमार मेरा नाम है। कहाँ से हैं? मेरा घर हुआ नालंदा जिला में। नालंदा जिला में है, किस विभाग में पोस्टिंग हो गई? मेरा पोस्टिंग हुआ है शिक्षा विभाग में, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, कैंटीन असिस्टेंट के पोस्ट पे, नवोदय विद्यालय समिति में। अच्छा, तो अब ये बताइए कि बहाली कब की थी? बहाली ये बहुत जल्दी पूरा हुआ है, मार्च फरवरी में नोटिफिकेशन था, मार्च में एग्जाम लिया है, और उसके बाद एक एग्जाम लिए अगस्त में, फिर अक्टूबर में ट्रेड टेस्ट और इंटरव्यू हुआ, और अभी फाइनल कर दिया गया। मतलब एक साल भी नहीं लगा? हाँ, एक साल के अंदर में फाइनल किया गया। एक साल के अंदर में फाइनल हो गया, कैसे देखते हैं पूरे? जी, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट का वर्क है वो रेगुलर टाइप पे सही ढंग से हो रहा है, इसमें किसी तरह का कोई धांधली करप्शन भी नहीं है, लोगों को रोजगार समय पे मिल जा रहा है। मिल जा रहा है। अच्छा, प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे, उन्होंने
उसमें पारदर्शिता की बात कही थी, सुना आपने? जी जी, प्रधानमंत्री का कहना यह था कि हमने जो भी जितनी भी भर्तियां निकाली है उसमें किसी भी तरह से धांधली कहीं पे नहीं है। जो धांधली भाईवा के टाइम में किया जाता था उसको मैंने बंद कर दिया है कि जिससे पारदर्शिता आ जाए, धांधली रुक जाए पूरी तरह से भर्ती में। कितना आप इन बातों पर भरोसा करते हैं, सच में ऐसा है? हाँ, सच में प्रधानमंत्री जो घोषणा करते हैं उसको तो पूरा करने का कोशिश भी करते हैं और पूरा कर भी रहे हैं। अब जब हम लोगों ने अपने हाथ में ले लिया ज्वाइनिंग लेटर तो ये तो कंफर्म है कि प्रधानमंत्री अपनी घोषणा को पूरा करते हैं। जब पारदर्शिता आपको दिखाई देती है केंद्र सरकार के बहालियों में? इस भर्ती में मेरे द्वारा एक रुपया भी कहीं पे मांग नहीं किया गया है, पूरी तरह से मेरा फ्री में ये भर्ती हुआ है। जो भी जितने भी कैंडिडेट हैं अगर उनमें टैलेंट है, उनमें मेरिट है तो वो अपने बदौलत नौकरी ले रहे हैं। अच्छा, बिहार का भर्ती जो होता है और केंद्र सरकार का भर्ती, उसमें कुछ फर्क देखते हैं? बिहार की भर्ती में है कि आपको लंबा समय तक टाइम देना पड़ जाता है, भर्ती चार चार पाँच पाँच साल के बाद वो एग्जाम ही लेना शुरू करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो चला जाता है बीच में कैंडिडेट का या स्टूडेंट का। और बिहार में भरोसा भी नहीं हो पाता लोगों को कि मेरा रिजल्ट होगा नहीं होगा, क्योंकि बिहार की परीक्षाओं में हमेशा सुनने को मिलता है पेपर लीक कर दिया गया, परीक्षा में धांधली कर दिया गया है, ये सब हमेशा सुनने को मिलते रहता है। कि बिहार सरकार को केंद्र सरकार से सीखना चाहिए, बिहार सरकार को केंद्र सरकार से सीखना चाहिए। केंद्र सरकार ऐसे भी केंद्र में सरकार चला रहा है तो उससे तो कुछ ना कुछ सबक हर एक राज्य सरकार को लेना ही चाहिए। अच्छा काम है तो सबक लेना चाहिए, सबक लेना चाहिए। तो आपको आगे किस प्रकार से है उम्मीद, क्या कैसे काम करना है, कैसे सुधार लाना है आगे? जैसे भी सरकार तो कोशिश कर ही रहा है कि सुधार लाएं, सरकार ने हमारे प्रधानमंत्री ने ये भी बोला कि आप लोग अगले 25 वर्षों के लिए जो देश में सेवा देंगे उसमें आप लोग पर निर्भर करता है कि आप लोग देश के राष्ट्र के निर्माण में कैसा योगदान देंगे। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि पूरी ईमानदारी से पूरे मेहनत से देश को योगदान करें ताकि देश हमारा आगे बढ़े। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए किस प्रकार से जो अभ्यर्थी हैं वो जो नियुक्ति पत्र है वो लेकर बाहर निकल रहे हैं, उनसे बातचीत हम लगातार कर रहे हैं, आपको सुना रहे हैं क्या सोचते हैं, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, कैसे वो केंद्र सरकार और बिहार सरकार को तुलना कर रहे हैं, बिहार में परीक्षाओं को लेकर, भर्ती आयोगों को लेकर, पारदर्शिता को लेकर, तमाम बातें आपने सुनी। बने रहिए लाइव बिहार के साथ, आप सभी का बहुत बहुत। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।